कालका की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आप एक विधायक चुनेंगे और आपको एक एमपी फ्री मिलेगा साहब। कांग्रेस की सरकार के अंदर भी उसकी अनदेखी हुई है और पिछड़ गया है, उसको वो प्राथमिकता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। सरकार से ज़रूरत चाहिए होगी वो बिल्कुल लेके आएंगे और कालका को बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे। उम्मीदवार चुना गया है, पार्टी ने भरोसा जताया है आप पर, तो किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं पार्टी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि कालका हलके से उन्होंने मुझे रिप्रेजेंटेशन दी है, और बहुत बहुत उनका धन्यवाद, शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और पूरी पार्टी का धन्यवाद। और आगे के लिए जैसी भी रणनीति पार्टी बनाएगी उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे, और जो भी डेवलपमेंट के काम होंगे क्षेत्र के उसको पर अच्छी तरह से निभाएंगे। अम्बाला में अच्छा काम किया, कई विकास कार्य, तो अभी कालका में भी कई ऐसे मुद्दे हैं उनको लेकर काम किया जाएगा? बिल्कुल, जो भी मुद्दे मेरे समक्ष आएंगे मैं उनके ऊपर काम करूंगी, और अम्बाला में मैंने 4 साल बतौर मेयर काम किया है और जो भी मेरा एक्सपीरियंस वहाँ रहा है उस एक्सपीरियंस के थ्रू मैं यहाँ पे कार्य करूँगी। तो आप महिला हैं और महिलाओं के लिए क्या खास रहने वाला है इस बार? देखिए, महिलाओं के लिए मैं बिल्कुल ही अग्रीण रहती हूँ और जिस भी तरह से महिलाओं के लिए जो भी कार्य कर सकूँगी, उनको सक्षम बनाने के लिए, उनको अपने पैरों पे खड़े करने के लिए, चाहे वो रोज़गार के माध्यम से हो, शिक्षा के माध्यम से हो या खेल के माध्यम से हो, उनको मैं आगे रख के चलूँगी। स्वास्थ्य के मामले में कालका जो है काफ़ी वहाँ पर अनियमितताएँ पाई जाती हैं, तो उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जो भी कुछ करने के लिए ज़रूरी होगा वो बिल्कुल करूँगी, और चाहे वो केंद्र सरकार से मदद चाहिए हो, चाहे अपनी राज्य सरकार से ज़रूरत चाहिए होगी वो बिल्कुल लेके आएंगे और कालका को बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे। सर, जिस प्रकार से कालका विधानसभा से शक्ति रानी शर्मा जी को जो है उम्मीदवार चुना गया है, तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है पिछले 10 सालों में कई विकास कार्य किए? ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास शक्ति रानी शर्मा जी में जताया है और मैं उनका बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ पार्टी का, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि कालका की जनता की जो भी दिक्कतें और समस्याएँ हैं उनको दूर करने का काम करेंगे और कालका को जो उनका हक है वो दिलवाने का काम करेंगे, चाहे वो मूलभूत सुविधाएं हों, चाहे कालका को एक अट्रैक्टिव टूरिज्म हब, कालका पिंजौर मोरनी इस पूरे इलाके को बनाने की बात हो, चाहे उद्योग लाने की बात हो, चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे व्यवसाय की बात हो, चाहे नशा ख़त्म करने की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात हो, इन सब मुद्दों को लेकर, चाहे पानी की बात हो, जैसे अम्बाला के अंदर नहर का पानी लाने का काम पंडित विनोद शर्मा जी ने किया था अपने कार्यकाल के अंदर, ये सब मुद्दे हैं जो बहुत जेन्युइन मुद्दे हैं कालका क्षेत्र के, जिनका समाधान होना चाहिए और बहुत जल्द होएगा, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा हो चाहे राज्य सरकार द्वारा हो। माताजी को जय, मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि माता शक्ति रानी शर्मा जी को विधायक चुनेंगे तो आपको एक के साथ एक फ्री मिलेगा, एक विधायक और एक MP फ्री मिलेगा। तो क्योंकि मैं तो संसदीय क्षेत्र अम्बाला मैंने गोद लिया हुआ एक राज्यसभा सांसद के तौर पर, तो ये 9 के 9 हलके उसी में आते हैं और इनकी चिंता मैं करता रहा हूँ समय समय पर, और जो भी बिंदु रहे हैं, जो भी विषय रहे हैं पूरे कालका हलके के, और मैं उसको उठाने का काम करता रहा हूँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, और अब मैं उसको और प्रचंड और प्रमुख तरीके से उठाने का काम करूँगा। और मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं और मैं कालका की जनता के साथ खड़ा रहूँगा, ताकि उनकी दुख दर्द मैं भी उनके साथ रहूं और जो उनकी समस्याएं हैं उनमें भी उनकी मदद कर सकूं। सर, कहीं ना कहीं जो कालका है वो हिमाचल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, इस तरह से बंदी में इंडस्ट्री है। देखिए, पिछले संसद सत्र के अंदर मैंने ये डिमांड उठाई थी कि एक MRO बनना चाहिए यहाँ पर, और साथ साथ ही कालका को इंडस्ट्री बैकवर्ड क्षेत्र घोषित करना चाहिए, ताकि बद्दी की तर्ज पर यहाँ पर भी इंडस्ट्री आ सके और इसके अंदर भी उद्योग लग सके। तो मैं ये आपके माध्यम से भी अनुरोध करूँगा कि जो भी विषय कालका के लिए डेवलपमेंट के लिए रहेंगे उसको हम केंद्र और राज्य सरकार पे पुरजोर उठाएंगे, और सिर्फ उठाएंगे ही नहीं, उनको पूरा कराने का बीड़ा भी उठाएंगे, और जो लोग हमें जानते हैं वो जानते हैं कि जो अब हम अपनी बात कहते हैं तो उनको पूरा करते हैं। घोषणा अब हुई है, मैंने तो MRO की डिमांड कालका के लिए पिछले संसद के सत्र में ऑलरेडी रख दी थी, क्योंकि कालका एक इस तरीके से लोकेटेड जगह है जहाँ पर रेल कनेक्टिविटी भी है,
और सड़क के माध्यम से भी कनेक्टिविटी है, और जहाँ जो अधिकांश जगह बची हुई है HMT की भी, वहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा MRO बन सकता है, ताकि जो टैंक्स और हैवी इक्विपमेंट है आर्मी की वहाँ पे लाई जा सके। मैंने ये डिमांड समक्ष रखी है सरकार के, और मुझे मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो जब भी डेलीगेशन आके मिलना चाहेगी तो वो मिलेगी, और वो पूरा सहयोग करेंगे कि उसको हम किस तरीके से उसको बदल सकते हैं और उसके अंदर कैसे व्यवसाय ला सकते हैं। इतना ही नहीं, मैंने तो ये डिमांड भी रखी थी कि कालका को बद्दी की दर्ज के ऊपर इंडस्ट्री बैकवर्ड डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि वहाँ पर भी उद्योग लग सके जैसे उद्योग बद्दी में लगा था। तो ऐसी बहुत सारी अनेकों स्कीमें हैं जो आएंगी, और मैं आपको आपके माध्यम से एक बात से आश्वस्त करके जाता हूँ कि आप कालका में पंचकूला में भी एक विधायक चुनेंगे, हमारे बड़े हम स्पीकर साहब बैठे हैं साथ में, उनका बहुत अनुभव है, हम उनका आशीर्वाद भी लेंगे। माता जी अगर शक्ति रानी शर्मा जी भी जब विधायक बनेंगी, तो मैं कालका की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आप एक विधायक चुनेंगे और आपको एक MP फ्री मिलेगा साहब। तो अब तो विधायक के चुनाव भी आप कर रहे हैं, तो विधायक भी बन जाएंगे, तो उस हिसाब से कालका की समस्या को कैसे आप एक राज्यसभा सांसद के तौर पर, मैंने अम्बाला संसदीय क्षेत्र को गोद लिया है, तो मेरा यही प्रयास रहा है कि जो भी मुद्दे रहे हैं पूरा अम्बाला संसदीय क्षेत्र के, इसमें कालका भी उसका हिस्सा है, उसको उठाने का काम करूं। जब मेरे पास संज्ञान में ये बात आई और HMT के कुछ वर्कर्स आए मेरे पास ये मुद्दा लेकर, तो मैंने माननीय मंत्री जी से समय लिया, कुमारस्वामी जी से, और उनकी बात रखी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इसके अंदर बहुत जल्द से जल्द इसका समस्या का हल निकलेगा, और उस पर लगातार चर्चा चल रही है और जल्दी हल निकलेगा। अंदर लोग वोट देते हैं और अपनी आस्था अपने MLA के अंदर जिताते हैं, MLA का एक दायित्व बनता है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, चुनाव के बाद MLA का दायित्व बनता है, तो जो MLA का काम करना है वो तो उसी को करना होता है, वो तो कोई और नहीं कर सकता है। तो ये बात कोई मांग नहीं रखी होगी, वो आप उनसे पूछिए, उसका हिसाब वो जरूर देंगे, आप पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। नहीं नहीं अशोक जी, आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई काम कालका में नहीं हुआ, जब उसकी लिस्ट गिनोगे तो वो बहुत काम आपको नजर आएंगे।